वैसे चमत्कार या उनसे कोई मांगना वो तो घास बरोबर है। अपनी आराधना, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या इतनी जबरदस्त है जैन धर्म की कि उसकी तपस्या के माध्यम से न अधिष्ठायक देवी देवताओं को अवश्य सहाय करना ही पड़ता है, मगर अपन लाख की चीज 100 में बेच देते हैं, इसलिए अपने हाथों में कुछ आता नहीं। बस भक्ति करते रहो, भक्ति में जोर लगाते रहो, अवश्य ही अपने अंतराय कर्म टूटते हैं। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर बताया गया कि दृढ़ निज प्रतिज्ञा, जो भी नियम लो बड़े मजबूताई से लो और बड़े ही मजबूताई पूर्वक उस नियम को आप स्वीकार करो। बहुत से लोग नियम ले लेते हैं मौन मौन का, मगर 10 मिनट नहीं होती है उनका बोलना चालू हो जाता है। नहीं, महीना एक घंटे का लिया, 2 घंटे का लिया है, तो कुछ भी हो जाए 2 घंटे तक नहीं बोलना, मतलब नहीं बोलना, तब आपकी वचन अतिशय की वृद्धि होगी। मौन से क्या होता है, वचन के अतिशय बढ़ते हैं, वचन में पावर आता है। मौन रहने से, बक बक करने से पावर बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए पुण्यवानों ये 4 गुण बताए अपन को कि 4 गुण अपन अपने जीवन के अंदर जब धारण करते हैं तब अपन धर्म के योग्य बनते हैं, क्योंकि भगवान ने श्रावकों के लिए, सदग्रस्तों के लिए 21 गुण वाला एक नियमावली बनाई है कि अच्छे व्यक्ति के जीवन में 21 गुण होते हैं, मगर प्रभु ने समय बदलते उन 21 गुणों को 4 गुणों में समावेश कर दिया कि जो भद्रिक प्रकृति वाला होता है उसमें एक तो अक्षुद्रपण आ जाता। अक्षुद्र मतलब वो कभी दिल का छोटा नहीं होता है, अक्षुद्रपण। अक्षुद्र मतलब किसी को हल्की भाषा में वो नवाजेगा नहीं। दूसरा गुण उसमें आ जाता है प्रकृति सौम्य। सरल व्यक्ति जो होता है ना, प्रकृति सौम्य मतलब वो स्वभाव से सौम्य होगा, शांत। बात बार में वो गुस्सा या क्रोध करने या झगड़ा करने कभी उतारू नहीं हो जाएगा। सरल प्रकृति वाला जो व्यक्ति होता है उसमें तीसरा गुण ऑटोमेटिक आ जाता है अक्रूरपण। उसके अंदर दया रहती है, किसी दीन दुखी को, तकलीफ वाले को, असहाय को देखेगा नहीं तो उसको क्या होगा, दया आएगी। अक्रूर, अक्रूर मतलब क्रूरता नहीं, भयानकता नहीं, दया आएगी उसको। चौथा गुण उसमें आ जाता है सदाक्षिण्यपणा। सदाक्षिण्यपणा मतलब तकलीफ वाले को देखकर कुछ न कुछ दाक्षिण्य मतलब देने की, सामने वाला आदमी कितना भी आके रोवे, कितना भी हाथ जोड़े मेरी गलती हो गई अब वापस नहीं करूँगा, इतना वो आजीजी करे, मगर यदि सरलता नहीं होगी ना, अरे ऐसे तो बहुत रोते रहते हैं, क्या बोलेगा, सरल व्यक्ति नहीं होगा तो ज़्यादा दुखी करेगा उसको, और 2-4 शब्द अपशब्द सुनाएगा। मगर यहाँ पर कहा कि सदाक्षण्यता, उसकी कथनी सुनकर उसको कुछ न कुछ हेल्प करेगा, हेल्प भी नहीं करेगा तो अच्छे 2 वचन कहेगा, दोस्त फिक्र मत कर, बस प्रभु का नाम ले रोज, अच्छे रास्ते चल, तेरा समय जरूर बदलेगा। ऐसे करके उसको शांत करके भेजेगा। और उसमें और एक गुण आ जाता है दयालुपणा। सरल व्यक्ति होता है वो दयालु होता है, किसी के दर्द को दीन क्रूर ने धर्म विहुणा देखी दिल में दर्द रहे, करुणा भीनी आंखों माती अश्रुनो शुभ स्रोत वहे। जब वो ऐसे अधर्मी व्यक्ति को देखेगा ने तो खड़ा रहेगा, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, दिल में दर्द रहे, उसको दर्द होगा। ये मनुष्य का जीवन इस व्यक्ति को मिल गया, अरे व्यक्ति होटल ने बोतल के अंदर जुगाड़ और पानों के अंदर अपनी जिंदगी, अपनी शक्ति संपत्ति को खलास कर रहा है। यही यदि व्यक्ति जो सही रास्ते होता तो कितने रुपये इसके बच जाते और इसका परिवार दुखी नहीं होता। ऐसा उसके मन के अंदर दयालुपना भाव आ जाता है। और माध्यस्थ सौम्य दृष्टि, माध्यस्थ सरल प्रकृति वाला व्यक्ति कैसा होता है, माध्यस्थ मतलब सबके ऊपर समान दृष्टि। पैसा वाला आया
उससे दोस्ती किया, हाथ मिला दिया, और कोई गरीब आया, ऐ चल काहे को बीच में आता है। ऐसी प्रकृति भद्रिक गुण वाले के जीवन में कभी नहीं होती है। वृद्धानो पगपणो, सरल व्यक्ति के जीवन में एक यह गुण आता है, कौन सा? वृद्धानु पगपणु, वृद्ध वड़ील लोग जिस रास्ते चलते हैं उस रास्ते चलने की वो कोशिश करता है, अपना अलग रास्ता बनाने की या जमाने की वो कोशिश नहीं करेगा। मगर महाजनो ये न गत सपन्था, जो नीति का वाक्य है कि महापुरुष जिस रास्ते चले हैं उस रास्ते चलने वाला बुद्ध निपुण भद्रिक प्रकृति वाला व्यक्ति हमेशा होता है विनीत। ये आठ गुण पहले सरलता में आ जाते हैं। आठवां कौन सा? विनीतपन, हमेशा विनयवान होगा। अपने से बड़े कोई भी व्यक्ति को वो मान देगा, अपने से विशेष जानकार व्यक्ति को वो मान देगा, अपने से ज्यादा दानवीर को वो विशेष मान देगा कि यह भी धर्म के प्रभावक है। मगर ऐसा नहीं, जो सरलता नहीं होगी ने, साल में एक पांचियों भी कटी नहीं दे तो भाई, मगर हाँ गोदी धके जिन भाई हो। बहुत से लोग ऐसे होते जिनको समाज संघ सात क्षेत्र किसी से कुछ लेना देना नहीं होगा है, मगर जब कोई ऐसे कार्यक्रम होते होंगे तो सबसे आगे जाकर कुर्सी में और बैठ जाएंगे। नहीं, मर्यादा होती है, एक उचित व्यवहार होता है कि जो लोग समाज के आगेवान हैं, समाज के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तपस्या कर रहे हैं, अच्छी आराधना कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले अपने से आगे बिठाना, उसमें शोभा बढ़ती है। मगर अपन ही जाके बैठ जाएंगे तो लोग हंसते हैं कि देखो ये आदमी कैसो है, हैं उसका क्या स्टेटस है और क्या स्टेटस में जाकर वो बैठ जाता है। ये सब विनीतपना, ये विनीत अवस्था भी तब आती है जब सरलता होती है। तो ये आठ गुण, सरलता पहले गुण के अंदर परमात्मा ने समावेश कर दिया। सरल मतलब इतने गुणों से वो युक्त होता है। दूसरा जो बताया, विशेष निपुण मति, विशेष बुद्धिशाली जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर छह गुण आ जाते हैं। कौन से छह गुण आते हैं उसमें? रूपवानपना, बुद्धिशाली जो व्यक्ति होता है ना उसकी इंद्रिय संपूर्ण होती है, पांचे इंद्रिय, और सभा के बीच में बैठकर शोभे, ऐसा लक्षण युक्त वो व्यक्ति होता है। आगे बताया सुदीर्घ दृष्टिपणा, सोचने वाला, समाज को साथ में लेकर चलना है, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना है। सुदीर्घ दृष्टि मतलब वो आगे का सोचेगा कि फलाने भाई को, फलाने चंजी को, फलाने व्यक्ति को साथ में रखने से या उनको आगे करने से समाज के बहुत अच्छे अच्छे काम, धर्म के बहुत अच्छे अच्छे काम बन पाएंगे। अभी वर्तमान में कदाचित भले वो व्यक्ति कुछ ना कर रहा हो, मगर उसकी कैपेसिटी है, वो कुछ भी समाज के हित में, संघ के हित में, धर्म के लाभ में, और कोई भी अच्छी प्रवृत्ति के अंदर अपना तन मन और ध्यान दे सकता है। आज देखो अपन पैसे वालों की सिर्फ निंदा ही करेंगे तो भी कुछ काम होने वाला नहीं है। आज आपको एक माइक लगानी होगी तो भी दिन के 8,000 रुपये लगते हैं। आपको एक प्रभावना करनी होगी 5 रुपये की तो भी आप हिसाब लगाओ, हैं 100 जनों को अपन 5-5 रुपया बांटे तो कितना लग जाता है एक दिन का, तो ऐसे 5 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का कितना खर्च होता है। इसलिए सुदीर्घ दृष्टिपणा, आगे का सोचने का कि भैया हमारे धर्म के स्थान बनाने हैं, फिर चाहे कॉलेज बनानी हो, स्कूल बनानी हो, हॉस्पिटल बनानी हो, मंदिर बनाना हो, गौशाला बनानी हो, ये सब सारे धर्म के काम गिने जाते हैं। वो काम खाली बातें करने से नहीं बनेंगे। आजकल बम्बई जैसी सिटियों में 10-20 करोड़ रुपये तो एकड़ जमीन मिलती है
बम्बई में और ऐसी जगह पर आपको कुछ बनाना है समाज की वाड़ी, तो बिना पैसे बनेगी है? खाली 10 सामायिक रोज कर लिए, 24 कर लिया, 2 टाइम प्रतिक्रमण कर लिया, ऐसे लोग जमा हो जाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट है। वो आराधक व्यक्तियों का, आराधक पुण्यवानों का एक डिपार्टमेंट अलग है, मगर सामाजिक और धार्मिक उन्नतियों के विकास के कामों के लिए अपार पैसे वालों का भी महत्व समझना जरूरी है। हाँ, वो गलत रास्ते जा रहे हैं, होटल बॉटलों में ज़्यादा उनके वे हो रहे हैं, उसके लिए अपन को क्या करना है? मार्ग भूलेला जीवन पथिक ने मार्ग चिंधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा ए मार्गनी तोय क्षमता चित्त धरूं। अपन उनके कल्याण मित्र बनकर उन्हें समझाने की कोशिश करें, देख भाई तेरा पुण्य उदय तुझे मिला है, उसका सही जगह पर यूज कर। ये रोज होटल में 25,000 उड़ाता है या 10,000 उड़ाता है, वही 10,000 रुपया तुम 12 महीने का जमा कर, उनको ऐसी अच्छी जगह पर लगाओ, तेरे माता पिता का ग्रेनाइट की तख्ती में कहीं नाम लगा दे। और नाम का मोह नहीं है तो गुप्त दान में कोई ऐसे 5 परिवार को खोज, उन 5 परिवार को हेल्प कर दे, वो 5 परिवार 2 साल में अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाएंगे। उन 5 परिवारों की रोज तुझे दुआ मिलेगी, उस 5 परिवार के रोज तुझे आशीर्वाद मिलेंगे, ऐसा उनको समझाने की कोशिश करें। और जो अच्छे कामों में लगे हुए हैं उनका सत्कार सम्मान तो हमेशा करते रहना, जिससे उनके और भाव बढ़े। बहुत से लोग ऐसे आप जाएंगे नहीं तो रुपया नहीं देंगे, मगर उनको साफा बंधा देंगे, तिलक लगा देंगे और धन्यवाद के 2 शब्द बोल देंगे, तो 25,000 के 5,00,000 बोलता 1 सेकंड ही लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए अमुक समाज के कामों के लिए उन धनवानों की भी आवश्यकता है, उन धनवानों को सही मार्गदर्शन देकर सन्मार्ग में अपन लावे तो उनकी संपत्ति पापानुबंधी जो रास्ते जा रही है वो पुण्यानुबंधी पुण्य देने वाली संपर्क और संसर्ग और संस्कार से बनती है। अच्छे संस्कार, अच्छे संपर्क यदि उन धनवानों को मिल गए तो अपने समाज के, देश के अच्छे अच्छे काम चंद मिनटों में हो सकते हैं। इसलिए पुण्यवानों अपन को क्या बताया, विशेष बुद्धिशाली व्यक्ति सुदीर्घ दृष्टि। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मान देना पड़ता है कि अपन को मालूम है वो गलत रास्ते है, मगर उस व्यक्ति से ही अमुक काम हो रहा है, होने वाला है, तो उन्होंने कहना पड़े कि आओ सा थे लोग खाली हो बोलो बासी, तो देखो उनके उन्होंने धके बिहारे के, अरे भाई बासी थोड़े तो 1 दुकान हलावनी है, हमको तो पूरी समाज के कितने काम कराने हैं। तब ऐसे लोगों का भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और हमें ये विश्वास है कि हमारी साधना, हमारी तपस्या और हमारी भक्ति से ऐसा व्यक्ति भी एक दिन शुद्ध सज्जन श्रावक बनेगा। और कितने बने और कितने बन रहे हैं। इसलिए पुण्यवानों सुदीर्घ दृष्टि, आगे का सोचकर जो काम करता है विशेष बुद्धिशाली व्यक्ति होता है। और तीसरे गुण विशेष बुद्धिशाली में आ जाता है विशेषज्ञपणु। और विशेषज्ञपणु मतलब होशियार, किसको किस तरह से बिठाना, किसको किस तरह से बुलाना, किससे कैसे काम लेना, किसको कितना सम्मान दे देना, किसको कहाँ पर बुलाना, ये सारी विशेषज्ञपणा मतलब बुद्धि चातुर्य। अमुक भाग्यशाली ऐसे होते हैं कि उनको बड़े प्रेम से आदर से बुलाएंगे, आगे बिठाएंगे, जाते जाते एक काम करके जाएगा। ऐसे व्यक्ति को उस तरह से आप सम्मान करिए। कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनका कहीं नाम छापो, कहीं फोटो छापो तो प्रसन्न हो जाएंगे और कह देंगे मेरा भी एक तिथि लिख लेना। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको आने पर सम्मान करने से उनको अच्छा लगता है, जाते जाते कह देंगे एक ब्लॉग हमारा लिख लेना। और विशेषज्ञपना मतलब कौन से समय पर कौन सा काम करना, ऐसी बुद्धि, ऐसा गुण ये बुद्धिशाली व्यक्ति में होता है। चौथे नंबर में कृतज्ञपना। विशेष बुद्धिशाली का मतलब उसमें यह गुण होना ही चाहिए, कृतज्ञ,
जिस किसी ने भी अपन को हेल्प मदद सहाय की है, अपनी अंगुली पकड़ी है, उसको कृतज्ञता जिंदगी में नहीं भूलना। उपकारियों के उपकार को कभी नहीं भूलना। यह गुण भी निपुण बुद्धिशाली व्यक्ति के जीवन में होता है। और आगे बता रहे हैं उसके जीवन के अंदर पांचवा गुण परहितार्थपना। परहितार्थ हमेशा उसके दिमाग में दूसरों के हित की विचार चलता रहेगा। मैं कैसे औरों को मददगार बनूं, दूसरों का कैसे मैं भला करूं, दूसरे को कैसे मैं हेल्प करूं, ऐसा परहितार्थ दूसरों का अच्छा करने की वो सोचता रहता है। छठा गुण विशेष बुद्धिशाली व्यक्ति में होता है लब्ध लक्ष्यपना। लब्ध लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उसका कोई भी निर्णय पावरफुल होता है और सुनिश्चित होता है, ये करना मतलब करना ही है। उसमें कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी कसौटी आ जाए, मगर जो सोचा होता है उससे वो पीछे हट बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि उसने जो भी किया है सोच कर किया है। और अच्छे काम करने जाते हैं सोच कर भी, तो भी कभी कभी तो परीक्षाएं होती ही है, और वो परीक्षाओं में अपन को पार होना वही तो अपनी बुद्धि है। और न्याय मार्ग तीसरा जो गुण बताया, न्याय मार्ग में प्रेम। उस व्यक्ति के अंदर पांच गुण होते हैं। पांच गुण होते हैं, पहला भीरू पड़ा। भीरू मतलब उसके अंदर डर रहता है, कहेगा समाज का नहीं, कोई काम करे उसका नहीं, मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, उसका हमेशा उसको सोच रहती है गलत कर दे, ऊपर से दूसरे को खराब कर दे, नहीं उसने किया, मैंने थोड़ा किया है, ऐसा दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करने वाला, न्याय मार्ग में रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है वो। भीरू मतलब खुद ही सोचता है कि मेरे से कहीं गलत जगह पर पाँव ना आ जाए, कोई गलत काम मेरे से ना हो जाए, एक ये गुण उसमें होता है। दूसरा असटपना। असट मतलब वो बेईमान नहीं होता है, आज की भाषा में असट को बोल ले बेईमान। किसी के साथ दोस्ती करके अपना उल्लू सीधा कर लेना, उसका जो होने वाला हो होगा, ऐसा उसका कभी भी नेचर या व्यवहार होता नहीं है। तीसरे गुण के अंदर उसको बताते हैं कि न्याय मार्ग में तीसरा गुण आ जाता है लज्जापना। वो हमेशा मर्यादा में रहता है, कोई भी काम करने के पहले वो सोचता है कि भाई कहीं मर्यादा बार तो, इसलिए वो लज्जा से युक्त अपना जीवन जीने की कोशिश करता है। चौथे नंबर में उसमें आता है गुणानुरागी। जहाँ कहीं भी जिस किसी के साथ भी वो बैठेगा, संबंध जोड़ेगा, उसमें से जो गुण होगा उन गुणों को लेने की वो पूरी कोशिश, यानी कदाच गुण नहीं ले सकता है तो उन गुणों की अनुमोदना। धन्य है हमारे दोस्त है, इतनी धर्म आराधना करते हैं, अपने से नहीं होती, एक गुणानुरागीपना है। अरे यार क्या है, अभी बुढ़ा हो गया है, करता है तो क्या हो गया, के अपन भी करेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे तब। ये गुणानुरागीपना नहीं है, ये निंदकपना है। इसलिए हमेशा गुणानुराग वो भी एक गुण है कि दूसरे के जीवन में रहे हुए गुणों की अनुमोदना, दूसरे के जीवन में रहे हुए गुण कैसे हमारे जीवन में भी आवे, उसका अनुकरण करने की मन में भावना। पांचवें नंबर के अंदर बताया कि न्याय मार्ग वाला व्यक्ति सतकथ पड़ा। सतकथ अच्छी बातें करेगा, सतकथ कभी किसी की निंदा कुतली गलत बातें या आगे पीछे करना या मर्चा मीठा लगाते हैं लोग, छोटी बात होती है मगर उसके ऊपर मिर्ची मिट्टी लगाकर ऐसी बार फेंकते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नहीं, सतकथपना सत्य हो, जिसमें कुछ दूसरों का हित हो ऐसी ही बात हो करेगा, दूसरे का अहित हो ऐसी बात कभी भी हो न्याय मार्ग में प्रेम वाला व्यक्ति नहीं करेगा। ये पांच गुण न्याय मार्ग में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में ये पांच गुण अवश्य आ जाते हैं। और चौथा प्रभु ने गुण बताया दृढ़ निज वचन स्थिति। जो सज्जन महापुरुष
के मार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्या करता है, वचन के अंदर मजबूत रहता है। प्राण जाए मगर वचन न जाए। और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कितने गुण होते हैं, तो कि उसके जीवन के अंदर एक तो एक गुण होता है लोकप्रियपना। ओ वचन में मजबूत होता है तो कभी भी बात को उल्टी पुल्टी करता ही नहीं है, इसलिए वो लोकप्रिय होता है। कोई व्यक्ति को कोई न्याय करना होगा, कोई बात पूछना होगा, तो इतना लोकप्रिय बना हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर उसकी सलाह लेगा, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि दृढ़ प्रतिज्ञा। वचन कभी भी अभी बोला ने अभी फोक, ऐसा यह आदमी नहीं है। एक जगह पर मैं रुका हुआ था, एक भाई मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और हमारे पास तो आने वाले लगभग बात अच्छी ही करते हैं, बाहर जाने के बाद क्या मालूम क्या करते हो, तो वही जाने। अच्छी बातें कर रहे, उतने में एक भाई आए दूसरे, वो जैसे आए ने वो खिसक गया, साहब पहचानते हो? ना भी मैं नहीं पहचानता, बहुत बड़े आदमी है के, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो, हमारे गांव में इनका जैसा दानवीर, इनका जैसा समझदार, इनके जैसा लोगों को हेल्प और मदद करने वाला कोई नहीं, बहुत बहुत बाबूजी बहुत के। और भी बैठा दो चार मिनट बैठ के नमस्कार करके वासक से डलवा के आशीर्वाद लेके जो आया हुआ था वो वापस चला गया। वो गया फिर वो जो बैठा था पहले से वो देखता है ऐसे, सावधान रह जो बाबूजी के, क्या बोला मेरे को बाबूजी सावधान रहना। मैं तो क्या किससे, तो क्या अभी वो आया था नहीं, क्यों भाई अभी तो तुम बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, ईमानदार है, सज्जन है, ने इसका जैसा तो कोई है ही नहीं, और अभी एक सेकंड में आप बोल रहे हो इससे सावधान रहना। नहीं नहीं बाबू जी, क्या है सामने ऐसा बोला जाता है, बाद में जो होता वो बोला जाता है। ये दृढ़ निज वचन है नहीं है इनके, ये लोगों से सावधान रहना। ऐसे जो लोग हैं अभी क्या बोलते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों की दोस्ती कभी मत करना। कहीं न कहीं अपन को बदनाम भी कर सकते हैं, कहीं न कहीं अपन को फंसा भी सकते हैं। जिनके वचनों में कोई दम न हो ऐसे लोगों से 100 कोस दूर रहना। हाँ, इसलिए वो आदमी एक सेकंड पहला बोलता है बहुत अच्छा आदमी, और उसके जाते ही ऐसे देख के बोलता है कि भाव जी सावधान रहना। ऐसे लोग बहुत हैं अभी हो समाज में, यहाँ आएंगे तो हमारे पांव दबाएंगे और वास्केप डलवाएंगे और बाहर जाकर बाबा जी की निंदा करेंगे। जो गुरु को नहीं छोड़ते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते हैं, वो लोग कभी भी संसार के लोगों के तो अच्छे रिश्तेदार वो नहीं बन सकते। आप विचारना, जो देव और गुरु को वफादार है वही व्यक्ति आपको वफादार रहेगा, मगर जो देव और गुरु की निंदा करते हैं वो व्यक्ति कभी आपका वैवाहिक भी बना तो भी आपको धोखा देगा। हाँ, देव गुरु मतलब आज उत्कृष्ट में उत्कृष्ट चीज है, उनको संसार के किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उनसे जो हो सकता है वो लोक कल्याण मैत्री भाव करुणा धर्म प्रभावना के काम में ही लगे हुए रहते हैं। तो भी जब लोग देव और गुरु की निंदा कुथली कर लेते हैं, उनके बारे में भी गलत गलत बातें कर लेते हैं, ऐसे लोगों के घर से कभी भी रिश्ता मत जोड़ना। मैं आपको अंगद सलाह देता हूँ कि ये लोग जब देव के भी नहीं होते, गुरु के भी नहीं होते, वो लोग आपके होंगे, वो कभी भी भरोसा मत करना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दृढ़ निज वचन वाला जो व्यक्ति होता है वो लोकप्रिय होता है। लोकप्रिय मतलब कभी वो गलत ना फैसला देता है, गलत ना कभी बोलता है, और अपने वचन के अंदर हमेशा मजबूत रहता है। इसलिए वो इसलिए कहा गया कि अभी कभी बोलने का आपको ठीक नहीं लग रहा है तो क्या करो, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रखो, बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि अभी बोलेंगे नहीं, इनको मौन है। महावीर भगवान कौशक में खड़े थे, ग्वाल आया अपने बैल वगैरह जो थे
वो महावीर भगवान के सामने बैठे थे, बोला महाराज मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी गायों का, मेरे बैलों का ध्यान रखना। वो तो अब तक आवश्यक में ही थे। गोवाल गया घर पर, थोड़ी देर में गाय भैंसे खड़ी हो गई और जंगल में चली गई। वापिस हो आया, वहाँ आकर देखता है भगवान के पास कोई गाय भैंस नहीं थी। पूछा, वो तो अपने मौन में ही थे, पहले भी नहीं बोले ना अभी भी वो नहीं बोले। और खोजने गया जंगल में, घंटा भर खोज खोज के थक गया, वापस आया, गाय वहां आके वापस बैठ गई थी। भगवान क्यों नहीं बोले? उन्होंने यह सोचा कि वो संसारी है, मैं कहूंगा कि सामने गई है, वो उनको लकड़ी से मारता हुआ लाएगा या बांधेगा या खेती में जोड़ेगा या उन जीवात्माओं को तकलीफ होवे, त्रस्तता होवे, ऐसा कोई काम करेगा तो मैं निमित्त बनूंगा। इसलिए खुद कष्ट सहन करने की तैयारी, मगर मुझसे वो नहीं बोले ना। अपन तो दो जनों की बात चलती और अपन को न पूछे तो भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि अभी किसने पूछा तुमको, अपन को कोई पूछते नहीं है तो भी अपन सबसे आगे जाकर बोलते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय नहीं बन सकता है। दूसरा गुण बताया, सुपक्ष युक्त परा, सुपक्ष, कभी कोई पक्ष लेगा तो सही व्यक्ति का वो पक्ष लेगा। सुपक्ष युक्त, जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, जिसमें कुछ कल्याण है, ऐसे व्यक्ति के हित में वो बोलेगा, सुपक्ष। और ये दो गुण उस व्यक्ति में होते हैं तो पुण्यवानों, अपन को भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बनकर ही सावक धर्म के व्रत अंगीकार करने की। और सावक धर्म को उजालने के लिए जो जो नियम प्रतिज्ञा अपन को लेनी या लेंगे, और दृढ़ प्रतिज्ञा होगी तो ही आप पाल पाओगे, उसका लंबा समय तक आप आचरण कर पाओगे। मगर ठग लोगों की मैत्री लंबा समय तक टिकती है? आप धंधा करते हो, पर ठग व्यक्ति आपको व्यापारी मिल जाए तो उसके साथ कितना समय और धंधा चलेगा? उसको तो मन में एक स्वार्थ है कि इनसे इतना मिल जाए, फिर उनका ओ जाने, अपन को क्या लेना देना है, महीना दो महीना छः महीना बारह महीना, जहाँ तक उसका उल्लू सीधा नहीं होगा ना वहाँ तक आपसे रिलेशन बहुत मेंटेन करेगा वो, आपको लगेगा कि मेरा भाई भी ऐसा नहीं संभालता, ऐसा संभालता होगा। कहाँ तक? जहाँ तक उसका उल्लू सीधा नहीं हुआ है, उसको अपन खुद की जरूरियात, दाम, काम, पैसे नहीं मिले वहाँ तक ही, जैसे वो दबाएगा अपने नीचे तब क्या करेगा? उसकी धूर्त व्यक्ति की मैत्री लंबा समय नहीं चलती है। घेलो मतलब कालो, पागल आदमी जो होता है उसका जो ड्रेस कितना भी अच्छा है उसको पहना दो, वो कितना समय तक उसका अच्छा ड्रेस रहेगा? कहीं भी जाकर वो बैठ जाएगा, किचन में भी बैठ सकता है, गंदगी में भी पागल व्यक्ति सो सकता है। इसलिए पागल आदमी को अच्छा मच्छा पहनाया हुआ ड्रेस लंबा समय नहीं चलता। धूर्त ठग व्यक्ति के साथ की दोस्ती मैत्री लंबे समय तक नहीं चलती है। बंदर के गले में है कितना भी सुंदर चंदन का या फूलों का हार पहनाया होगा, मगर वो कितने समय तक चलेगा? है वो मस्ती में नहीं आया वहाँ तक, मस्ती में आते ही वो हार को और फूल को तोड़ के फेंक देगा कि बस। ऐसे ही पुण्यवानों, अपन को भी अपने जीवन के अंदर जो व्रत नियम लेने हैं समझदारी पूर्वक लेकर उसको लंबे समय तक चलाना है तो दृढ़ वचन, अपने वचन में हमेशा स्थिर रहना, कभी भी छोटी मोटी बातों पर बैरी सौगान के, भगवान की सौगान के, गुरुदेव की सौगान कभी नहीं खाना। हाँ आज तो 50 रुपयों के लिए अपन भैरू जी की सौगान की, भगवान की सौगान, बही की सौगान नहीं। जब ऐसी गलत गलत सौगंध अपन खाते रहते हैं तो वास्तव में सही जब अवसर आता है तब तो वही अपन को सहाय
नहीं मिलते हैं इनकी भगवान की गुरु की या देव की सौगंध तो खानी ही नहीं चाहिए, उनके प्रति तो समर्पण भाव ही अपन को रखना है। तो ऐसा समर्पण भाव अपन रखते जाएंगे तो यावत जीव तक अपनी ये धर्म क्रियाएं, अपने व्रत नियम और पचखानों के अंदर अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु ने अपन को ये चार गुण बताए, चार गुण जो ग्रहण करता है या जीवन में रखता है वह व्यक्ति सावक मतलब अच्छा इंसान बनने के लायक बनता है। अब यहाँ पर सावक जीवन की और व्याख्या करते हुए आगे बता रहे हैं, नामाई चौभेयो सड्डो भावेण इतारो तिवियो भाव सड्डो दंसान वय उत्तर गुणे ही। चौभेयो, चार भेद हैं श्रावकों के, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। कितने प्रकार के श्रावक होते हैं? चार प्रकार के। सबसे पहले बताया नाम श्रावक, मात्र नाम से ही जो श्रावक हो, क्या जन्म ले लिया जैन कुल में, पैदा हो गए जैन में है? तो नाम से ही मात्र जो श्रावक होता है, मगर श्रावक जीवन के आचार विचार के कोई गुण बिल्कुल जिसमें नहीं है, न सामायिक न प्रतिक्रमण न नौकारसी, कोई भी प्रकार का जिसके जीवन में नियम नहीं है। बाबो बैठो जपेन जो आवे सो खपे, ऐसा जैन भी हो तो वो क्या बोला जाता उसको? नाम का श्रावक, काम का नहीं नाम का श्रावक। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है धनपाल, क्या नाम है? धनपाल। मगर धन वना जेब में कभी एक रुपये ही नहीं मिले। यदि भी देखो यदि कहीं कहीं मांगता फिरता हो और नाम उसका धनपाल हो तो गुण है उसमें? नहीं। भीख मांगने वाला धनपाल हो तो कोई वो धनपाल मतलब धन का पालन वाला नहीं वही गिना जाता है। किसी का नाम है रथपाल मगर रोज टाटिया घिसता हो, रथपाल हो मगर चलने बैठने के लिए साइकिल भी उसके पास ना हो तो उसका रथपाल नाम कोई यथार्थ नहीं है। किसी का नाम है अमरचंद मगर मर गया हो तो काय का अमरचंद हो, नाम का अमरचंद, गुण उसमें बिल्कुल नहीं है। वैसे ही पुण्यवानों अपन को भी अपने जीवन के अंदर नाम के धर्मी नहीं बनना है, नाम के श्रावक नहीं बनना है। मगर आगे अपन को भेद बताएंगे, जो सिर्फ नाम का श्रावक होता है वो कोई काम का नहीं होता है, स्थापना श्रावक। दूसरा नंबर कौन सा बताया है? स्थापना श्रावक। मतलब स्थापना श्रावक का मतलब होता है श्रावक के गुणों से युक्त कोई व्यक्ति का फोटो या ऐसे कोई गुणों से युक्त कोई व्यक्ति की प्रतिमा फोटो वगैरह की अपन स्थापना कर दे हैं, गुणवान श्रावक की कोई काष्ठ की प्रतिमा अपन बना देवे और उसको अपन स्थापन करें, वो स्थापना का श्रावक होता है। तो उससे भी कोई मतलब नहीं, अपन अपने माता पिता का फोटो की स्थापना कर दे और जीते जीते तो माता पिता को रोज जुतिए मारी हो तो स्थापना कोई काम की है? अपने अपने जीवन के अंदर श्रावक धर्म के एक भी गुण को एक भी आचार को अपन जीवन में अंदर पाला ना हो और अच्छे अच्छे श्रावकों के फोटो फर्स्ट क्लास लगा के रखे अपन, तो उससे कुछ मिलने वाला है? नहीं। थोड़ा आचरित होना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। इसलिए नाम का श्रावक कोई काम का नहीं, स्थापना का श्रावक भी कोई काम का नहीं। तीसरा नंबर का श्रावक बताया द्रव्य श्रावक। कौन सा श्रावक? द्रव्य श्रावक। द्रव्य मतलब भाव विना का धार्मिक क्रिया करना करने वाला हो मगर वो धार्मिक क्रिया लोगों को दिखाने के लिए करता हो, लोभ और लालच में आकर करता हो कि भाई जो मासक समान करेगा उसको 25,000 का बख्शिश दिया जाएगा और 500 मासक समान हो जाएगा, 100 मासक समान हो जाए तो वो कोई ठीक है, द्रव्य क्रिया हुई। और भाव क्रिया नहीं बोली जाएगी तो अमुक श्रावक होते हैं द्रव्य श्रावक, जो लालच में आकर लोभ में आकर मात्र क्रिया करते हैं, भाव नहीं कि भाई चलो यार अखंड जाप चल रहा है
जिस समय कोई ना बैठे उस समय पर हम बैठकर भगवान की माला गिनेंगे, ये भाव है। अमिल या चल रहा है या अट्ठम चल रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, मेरा नाम लिखो, ये भाव है अंदर से कि हमारे धर्म शासन की ये जो अच्छी प्रवृत्ति चल रही है, ये प्रवृत्ति को ब्रेक ना लगे, ये प्रवृत्ति बंद ना हो जाए, इसलिए जो अपने भाव से नाम लिखाता है और जो काम करता है उसको बोला जाता है भाव। द्रव्य लालच लोभ विघ्न में आकर जो अपन करते हैं वो द्रव्य शावक कहा जाता है। आराधना के भाव से नहीं मगर भावना की भाव से, भावना के भाव से अपन जो करते हैं और द्रव्य शावक की क्रियाएं कही जाती है। संसारिक सुखों की अपेक्षा से जो अपन करते हैं वो द्रव्य क्रिया है। मुझे सुख मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो जो अपेक्षा, उन अपेक्षाओं से यदि अपन धर्म क्रिया करते हैं तो अपनी धर्म क्रिया द्रव्य क्रिया हो जाती है। अपन को ये सारी चीज़ें करते करते मन में भाव आने चाहिए और भाव आते हैं तब अपन को ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। यहाँ पर बताया गया, एक सुंदर बात बताई गई है कि हजरत अली साहेब हुए, एक हजरत अली, अन्य धर्म में भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनके जीवन में से अपन गुण ले सकते हैं। सोना सोना ही रहता है, फिर सोना किसी भी के पास हुआ उसकी कीमत कभी कोई कम नहीं होती है। तो मोहम्मद पैगंबर के भाई हुए, मोहम्मद पैगंबर के जो भाई हुए उनका नाम था हजरत अली, उनके पाँव में कांटा लग गया और कांटा बहुत अंदर चला गया। जब कांटा अंदर चला गया तब बहुत मेहनत की मगर कांटा कोई निकाल नहीं सकता था। तब उस हजरत अली साहब ने कहा कैसा करो, अभी कांटा मत निकालो क्योंकि बहुत दर्द होता है ना, आप जैसे निकालने जाते हो तो मैं भी सहन नहीं कर सकता हूँ। ये कांटा कब निकालना, जब मैं नमाज में बैठूं, जब मैं नमाज में बैठूं और खुदा की बंदगी जब मैं चालू करूं तब आप मेरे पाँव में से कांटा निकालना। क्यों कि भक्ति वो क्लोरोफार्म है, भक्ति वो क्लोरोफार्म है। देह का सर्व दुख जो भुला दे और देह की सारी अवस्था को जो खत्म कर दे वो ईश्वर का स्मरण, प्रभु का स्मरण है, वही सच्चा स्मरण है। प्रभु की स्मरण करो, प्रभु की भक्ति करो, चिल्ला हट चालू रखो, प्रभु की भक्ति करो, फूल के लिए परापड़ी करो, प्रभु की भक्ति करो और पानी पक्षाल के लिए है कोई शिस्त नहीं, कोई मर्यादा नहीं, चढ़ावे वाले जाए उसके पहले आगे जाके घुस जाए, और इस प्रभु का स्मरण नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है। और ऐसे भक्ति वालों के कितने भाव हो जाते हैं मगर प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर प्रसन्न खुश नहीं बनते। हजरत अली साहब कह रहे हैं कि जब मैं नमाज में बैठूं ने तब आप मेरे पाँव में लगा हुआ कांटा खींच लेना। क्यों कि जब मैं भक्ति में बैठता हूं तब मुझे दुख क्या है, लोक क्या है, संसार क्या है, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूं। और उस समय आप अंदर सोए भी घुसा देंगे ने तो मुझे पता नहीं पड़ेगा। है अपनी हालत को ऐसे, जब वो नमाज पढ़ना उन्होंने चालू किया और उनके जो दोस्त मित्र थे उनको पता था कि कांटा का दर्द कितना होता है, उन्होंने वहाँ जाकर उनका पांव पकड़कर कांटा खींचना चालू किया। बस वह तो भक्ति में ऐसे उतर गए थे कि उन्होंने कुछ पांव के ऊपर नज़र तक नहीं डाली। ऐसी भक्ति जब अपन करते हैं तभी अपन प्रभु के पास डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इसलिए अपन को मंदिर में आना है कि यहाँ आकर अपन संसार को भूले, यहाँ आकर अपन साधन को भूले, यहाँ आकर अपन आजू बाजू वालों को भूले, तब ये भगवान के मंदिर में आना अपने लिए सार्थक फल देने वाला बनेगा। तो यहाँ पर भी पुण्यवानों अपन को यही अपन देख रहे हैं कि जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर हंस पड़े उसे शैतान कहते हैं।
जो भूल से सीख जाए उसको इंसान कहते हैं। अपन को भूल से सीखना है, ये भूल से तभी सीख पाएंगे जब भूल को भूल तरीके स्वीकार करेंगे तो कि हमारी ये भूल है, हम भगवान के मंदिर में हमें झुकने आना है, यहाँ पंचांग प्रणिपात करने आना है। कदाच हम खड़े खड़े होकर भगवान को पंचांग प्रणिपात नहीं कर सकते हैं तो नीचे बैठकर पलाटी लगाकर तो हम तीन बार बरोबर झुक पाएंगे ने, मगर कुर्सियों में बैठ जाएंगे तो कैसे झुकेंगे आप हैं? आपका न तो ये हाथ झुकेगा न तो आपका सिर झुकेगा, आप तो ऐसे के ऐसे हैं जैसे आकाश में पतंग उड़ता है वैसे आप उड़ते रहेंगे, तो उस क्रिया के अंदर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपन को बता रहे हैं पुण्यवानों कि अपन अपने जीवन के अंदर जो मोक्ष की तालावेली जिसको नहीं होती है और द्रव्य क्रिया के स्वरूप में क्रिया ये करता रहता है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जिसमें नहीं होती है और आत्म उत्थान की कोई विचार ही नहीं होता है, बस आए हैं दिन पसार करो, एक दिन गया, दो दिन गया, पाँच दिन गया, दस दिन गया, ऐसी जिनकी सोच है वो आत्म उत्थान का विचार तक उनके जीवन में कभी नहीं आता है। ऐसे जो श्रावक ऐसे जो सदग्रस्त होते हैं वो भी कितनी बार गंगा में भी चले जाए हैं कि हरिद्वार भी चले जाए या पालीताना भी चले जाए या कहीं भी ऐसे धर्म स्थान तीर्थ में समय शिखर चले जाए, वो सिर्फ द्रव्य श्रावक ही द्रव्य क्रिया करने वाले ही रहते हैं। जैसे चंद्र प्रद्योत राजा की आज्ञा से अभय कुमार को पकड़ने के लिए वेश्या श्राविका बनकर आई थी, मालूम है इतिहास की बात। अभय कुमार बहुत बुद्धिशाली थे, सैनिक महाराजा के पूरा राज्य का कारबार अभय कुमार हैंडलिंग करते थे, सामने उनका हरिफ राजा था चंड प्रद्योत। बहुत बार मेहनत किया सैनिक राजा को हराने की, मगर अभय कुमार के हिसाब से चंड प्रद्योत राजा हर बार सफल नहीं हुए। तब उसको किसी ने कहा कि जहाँ तक अभय कुमार सैनिक राजा के राज्य में महामंत्री पद पर है वहां तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो कि उसको कैसे फंसाया जाए, तो कि ऐसे तो बहुत बुद्धिशाली है और कोई बात और कोई प्रपंच या और कोई बुद्धि तो उसके सामने चलने वाली नहीं है, मगर एक उपाय है और धर्मी बहुत है, वो प्रभु का भक्त है गुरु का भक्त है, धर्म के नाम से यदि ठग लिया जाए तो ठगा जाएगा, बाकी नहीं ठग सकते। चंड प्रद्योत राजा ने बहुत बड़ी ऑफर डिक्लेरेशन की कि जो व्यक्ति अभय कुमार को कैसे भी करके पकड़ के मेरे पास ले आएगा उसको जो मांगेगा वो मैं दूंगा। तो उस राज्य की एक वेश्या थी, उसने सोचा कि धंधा गलत है, ऐसा कुछ काम बड़ा कर दूँ कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए कि, तो उसने अभय कुमार को ठगने के लिए धर्म का सीखना चालू कर दिया, साविका बनी, द्रव्य भाव से नहीं, ये कमाना था और कोई नहीं था, इसको धर्म नहीं करना था, तो पैसे के लिए वो साविका बनी, पंडित रखकर सूत्र बुत्र पढ़ लिए, अष्ट प्रकारी पूजा कैसे करनी सीख लिया, गोचरी पानी कैसे वहराना वो सीख लिया, एक चूल्हा ने दो चूल्हा, हाँ शुद्ध श्रावक की बातें आप जब समझेंगे ने तब बातें आती है कि श्रावक जो नियम लेता उसमें ऐसे चतुर्मास की ऋतु में चूल्हा धारता है कि भाई आरंभ समारंभ बहुत होते हैं तो बस एक चूल्हा का ही खाने का, अब आप घर से कुछ बनाकर ले आओगे तो कितने चूल्हे हो जाएंगे, एक एक इस जब जीभ की स्वाद के लिए ना, जीभ के स्वाद के लिए आपने घर से कोई चीज मंगा लिया कोई चीज लाए और 50 आइटम है या 25 आइटम में बनी हुई है, उसके बावजूद भी आपने छोटी सी कोई पापड़ की चूरी या ऐसी कोई चौमासा में हम लोगों ने आज्ञा दी है कि पापड़ नहीं बनाने के, नीलफूल वगैरह दोष चातुर्मास में विशेष लग जाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, इसलिए चातुर्मास में दशहरा तक ये चीज़ें नहीं कलपती है, इसलिए यहाँ पर रसोड़े में बंद है, मगर अपनी ये दसनेन्द्रिय है ये जीभ
लुलीबाई है, इसको क्या नाम दिया है? लुलीबाई। इसको कितना भी आप खिलाओ कभी भी वो तृप्त होने वाली है। मैंने अभी बैठे बैठे हिसाब लगाया, एक दिन की 6 रोटी, कितनी? 6 रोटी एक दिन, सिर्फ 6 रोटी ले लो, सब्जी फरसान मिठाई और सब साइड में रखो। एक दिन की 6 रोटी अपन लेवे तो एक महीने की लगभग 180, एक साल की 2100 लगभग रोटी रोटी। अब 2 साल की कितनी रोटी खाई, 5 साल की कितनी खाई ना, अभी तक 50-60 साल के हो गए अपन, और 60 साल की खाली रोटी रोटी जमा की जाए तो मुझे लगता है अपना भोजनशाला का हॉल भी छोटा पड़ जाए। इतना अपने 3.5 हाथ की काया के लिए माल अंदर फैक्ट्री में डाल दिया है। अब साइड का जो है वो तो आप वापिस बाद में हिसाब लगाना, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ला, कभी पापड़, कभी चमकिया हुआ खाखरा है, कभी फल फ्रूट है, कभी जूस है, कभी तो क्या क्या लोग बनाते हैं, अरे आप कल्पना नहीं कर सको। और सारी चीजें यदि जमा करने में आवे कितना ढेर लग जाए, तो भी तृप्ति हुई। इसलिए इसका नाम क्या रखा? लुलीबाई। ये लुलीबाई को कितना भी खिलाओ, घी के डब्बे डब्बे खाली हो गए मगर चिमटी हुई चिकनी हुई वो, एक सेकंड में फिक्की। कितना भी घी हिला के लो ने वो क्या सूट ने पिपड़ा मुल ने ऊपर घी, हाँ कितना भी लो, 10 मिनट के बाद जीभ के ऊपर कोई चीज नहीं रहती है। तो अभी ये जिबड़ी भाई कितना तूफान कराती है, खाने में ध्यान नहीं रखती है तो पेट बिगड़ता है, बोलने में ध्यान नहीं रखती है तो कमर कभी खराब हो जाती है। हाँ इसलिए संत लोग कहते हैं, एक संत थे बड़े त्यागी संत थे, भक्त भी बहुत थे उनके, आश्रम में रहते थे संत। भक्त ने बहुत विनंती किया कि मेरे घर पर भोजन के लिए आप पधारो। संत ने कहा भाई हमको जंगल में रहने दे, क्यों ले जाता गांव में घर में? तो कि नहीं नहीं मेरी इच्छा कि मुझे ब्रह्म भोजन कराना है, ठीक है आऊंगा। क्या अब जितने भी साधु संत थे सबको आमंत्रण दिया कि हमारे गुरु जी आने वाले हैं आप सब आओ। उसने तो घर में 5 पकवान बना दिए, कई जात की रसोई बना दी, और महाराज तो अपनी साधना में बैठे हुए थे, भोजन का समय भी लगभग पूरा होने आया तो भी उन्होंने अपनी साधना में से खड़े नहीं हुए। जब उनकी साधना पूरी हुई तब 2-3 बजने आए थे, तब तो सोचा रहे वो भगत प्रतीक्षा करता होगा, मगर उसके घर पे तो 10 बजे से तो चालू हो गया था, और कई रसवंती वहाँ फिर सा जा रही थी और साधु संत उड़ा रहे थे सब। अब छेले 3-4 बजे वो मेन संत थे, वो जंग पधारे अपने झोपड़ी से आके बैठे, नज़र डाली उन्होंने, भगत तो एक एक से बढ़कर सब चीज़ें ला ला के रखता, संत ना बोल रहे, नहीं भाई नहीं भाई क्या लाऊं बाजी, तो बाजरी का रोटा लाओगे, घी भी मत लगाना, खाली लुक्खा रोटला और छास और कुछ मत। अरे बाबूजी आप क्या बात करते हैं, सारा आपके लिए तो मैंने आयोजन किया है। भाई आहार के ऊपर कंट्रोल नहीं पाऊंगा, रस के ऊपर इंद्रियों को मजबूत नहीं बनाऊंगा तो रसनेन्द्रिय में नहीं बनूंगा। इस लोलुपता ने आज तक संसार में भवों की वृद्धि बनाई है, और रोगों का घर क्या है? जठनाग्नि। इसको ज्यादा पौष्टिक और आहार जितना ज़्यादा दोगे उतने रोग बढ़ेंगे। मुझे वासना के ऊपर कंट्रोल पाना है और उपासना में मुझे गहरा उतरना है, इसलिए तू बाजरे का रोटला बिना घी का ला के दे मेरे को। भगत के मन में जरा ओ हो गया कि गुरु जी ने कुछ नहीं लिया तो गुरु ने बताया इधर आओ, आरिशा लाओ, आरिशा के आरिशा मंगाया गुरु जी ने, आरिशा ला के दिया, घी ला चल जाके, घी मंगाया, आरिशा के ऊपर क्या कर दिया? घी डाल दिया और घिस दिया। और फिर गुरुजी ने बोला देख अब
दिखता है कुछ तस्वीर तेरा फोटो, तो क्या नहीं दिखता है? क्यों? कि घी आ गया। विगई विगयम चैत्य पचखान भाष्य के अंदर लिखा है, विगई विगयम जाई, जो ज्यादा विगई खाता है वो गलत गति में जाता है। विगति मतलब गलत गति में जाला जाता है, क्योंकि ज्यादा जो आहार लेता है पौष्टिक, उसके विचार भी शुद्ध नहीं रहते हैं। अब लाओ और लुखा रोटला लाओ के, और आरिसा लिया हाथ में, लुखा रोटला को लिया आरिसा के ऊपर, ऐसा घिसा कि लुखे बाजरे के रोटले ने क्या किया, पूरा का पूरा घी चूस लिया। और फिर कहा, ले आरिसा देख, हो एकदम साफ दिख रहा है मुंह के, बस घी विगई मिठाई, जितनी ज्यादा खाएंगे उतने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होगा। विगई मतलब घी वगैरह का जितना यूज कम करेंगे उतनी अपनी आत्मा की दृष्टि खुलती जाएगी, निर्मल बनती जाएगी। मगर अपन बहुत सी बार 50 किलो के होते हैं और कहीं संघ में और कहीं ऐसे प्रोग्राम में चले जाते हैं, तब 2 किलो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अपन साधना आत्मदर्शन में आत्मदृष्टि के अंदर उतरते नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। संत ने उन साधुओं को भी उपदेश दे दिया कि अपन साधना करने निकले हैं, तो साधने का मतलब होता है कि साधनों का कम उपयोग करना, जितना बने उतना साधनों का त्याग, और साधना के अंदर विशेष समय निकालेंगे तो ही ये साधना सिद्धि को देने वाली बनेगी। पुण्यवानों, आप सभी को यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा उपदेश है। अभय कुमार की बात चल रही है कि कैसे पकड़ना उसको। धर्मी व्यक्ति धर्म के नाम से कभी ठगा जा सकता है, बाकी बुद्धि से कोई ठग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वो वेश्या ने सारा धर्म अभ्यास कर लिया, कैसे बहराना, कैसे पूजा करना, कैसे सामायिक करना, एक चूल्हा और दो चूल्हा, यह भी शिक्षा उसने ले ली। अब वो साविका बनकर आ गई कहाँ, राजगृह नगरी में। वहाँ आकर उसने शोध किया कि कौन से मंदिर जाते हैं अभय कुमार, मालूम पड़ा कि वो फलाना मंदिर है, उस मंदिर में ही अभय कुमार रोज पूजा करते हैं। उसने भी वहीं आजू बाजू में कहीं मकान भाड़े ले लिया और फर्स्ट क्लास अष्ट प्रकारी पूजा के थाल भर भर के, और आती है मंदिर में, इतने भाव से प्रभु की स्तुति करती है, इतने भाव से पूंज पूंज के खमासौना देती है और प्रभु की पूजा करती है। 2-4 दिन तो ये सब चलता रहा। अभय कुमार भी उस समय ऐसे, उसने भी समय बराबर सब, हाँ अभय कुमार भी सोचते हो कैसे धर्मी आत्मा है, इतना तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मंत्री वो सब अनुकूलता है तो भी ये साविका कितनी चुस्त है, बोलती है तब ऐसे हम मुंह पे कपड़ा रखती है। हाँ बहुत से लोगों के तो बहुत ही नाटक होते हैं। हाँ मैं कहता हूँ इसलिए बहुत सी बार, इसका इस देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से ज़्यादा खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं मगर पहरेदारों से ज़्यादा खतरा है। धर्म के विषय में बहुत सावधानी की जरूरत है, उसे नास्तिकों से नहीं मगर ठेकेदारों से बहुत ज़्यादा खतरा है। जो ज़्यादा ऐसी करते होंगे ने, वो देखना बहुत ही खतरनाक लोग होंगे, निंदा करते होंगे, किसी की बुराइयों में पूरे दिन लगे रहे होते होंगे, औरों को बुरा दिखाएंगे और खुद को शुद्ध श्रावक गिनाएंगे, और औरों को दे चल जान दे, कोई दम नहीं उसमें, कोई व्रत का ठिकाना नहीं, कोई पुस्कान का ठिकाना नहीं है, क्रिया तो मैं करता हूँ, मालूम है कहाँ सिखाऊँ, फलाने महाराज के पास सिखाऊँ। वो महाराज जी भी ऐसे मिले होंगे निंदा करने वाले, और साधुओं की आज बहुत चलता है, साधु साधुओं में इतनी निंदाएं चलती है कि एक साधु दूसरे साधु का अच्छा नहीं देख पड़ता है, हम सु है बाकी सब कु है, ये उपदेश दिए जाते हैं, सुगुरु और कुगुरु, मतलब कि हम जो है वो सब सुसाधु है और दूसरे जो साधु है सब कुसाधु है। या क्या, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल, बड़ा बड़ाई न करे और बड़ा न बोले, बोल
हीरा मुख से कभी ना कहे कि लाख हमारा मोल, अपने आचार से, अपने ज्ञान से, अपने समाज की धर्म की प्रवृत्तियों से व्यक्ति महान बनता है। खाली मुख से बोलने से और वरों की निंदा करने से कभी कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। वो श्राविका भी ऐसी महान होने का दिखावा करने लगी। सोने का आवाज नहीं आता है मगर पित्तल का आवाज बहुत आता है। हाँ, जो सरल भाव से धर्म क्रियाएं करते होंगे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर जो रूढ़िचुस्त होंगे और जो पूरे दिन लोगों की निंदा कुतली करते होंगे उनके आडंबर बहुत ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पर अभय कुमार भी अनुमोदना कर सके, वो सरल थे। सरल व्यक्ति को किसी में भी अवगुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। सरल व्यक्ति को किसी के अंदर भूल कभी नजर नहीं आएगी। सरल व्यक्ति कभी भी किसी की निंदा कुथली नहीं करेगा। सरल व्यक्ति कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगा। हाँ, ये सरलता की पहचान है। अभय कुमार सरल थे, वो तो देखकर खुश हो गए, वाह मेरे से भी बढ़कर प्रभु के भक्त दुनिया में बैठे हुए हैं। अब कैसे, किस तरह से वो श्राविका और ज़्यादा, हाँ नई दुकान होती है ना, वहाँ बहुत हाई पावर के लाइट लगाए जाते हैं। हाँ, नई कंपनी जब खुलती है ना, कोई भी टीवीओ में रोज जाहिरातें आती हैं। ऐसे नए पंथ होते हैं ना, वो लाखों की संख्या में अपने पेपर, अपना साहित्य फ्री बांटते हैं। हाँ, इतना फ्री बांटते हैं कि जिसमें लाखों रुपया लगा देते, क्योंकि उनकी उनका धंधा जमाना है, अपना संप्रदाय जमाना है, अपने भगत ज़्यादा खड़े करने, इसलिए वो सब फ्री बांटेंगे। मगर जो पुराना है, जो सत्य है, जो प्रेम मैत्री और करुणा के संदेशों से भरा हुआ है, उन्हें कोई बांटने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग खोजते हुए लेने आते हैं। अब कैसे अभय कुमार भी उन सरलता के मार्ग से, सरलता को देखते हैं सामने, कभी वो और नज़र से कभी देखते नहीं है। वो श्राविका के दिल में तो क्या था, हाँ मुख में राम था और बगल में छुरी थी। अब आगे क्या अधिकार बनता है, ज्ञानी पुरुष जो कुछ बताएंगे सब अग्र वर्तमान। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.